गर्मा गर्म तंदूरी रोटी आज हम आपको बताएंगे एक ही मिनट में घर के ही कुकर में कैसे बनाएं। फ्लेम को हमने हाई पे रखा है और एक 5 लीटर के बड़े कुकर को हमने इसके ऊपर उल्टा रख दिया है गर्म होने के लिए। अब फटाफट से हम रोटी के लिए पेड़ा ले लेते हैं। नॉर्मल रोटी के लिए जैसे पेड़ा तैयार करते हैं वैसे इसके भी पेड़े बना लेंगे। ये देखिए एक एक करके हमने यहाँ पर 5 पेड़े रेडी कर लिए हैं। 5 से 6 मिनट के बाद कुकर बिल्कुल गर्म हो गया है। अब दोनों हाथों में थपकी मारते मारते हमने यहाँ पर रोटी को ये साइज का बड़ा कर लिया है। बाहर की तरफ थोड़ा सा पानी लगा करके दूसरी साइड को कुकर के अंदर चिपकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से फटाफट से हमने यहाँ पर सारी रोटियां लगा दी हैं। अब एक बार फ्लेम को फिर तेज कर देंगे और कुकर को उल्टा करके गैस के ऊपर रख देंगे। बस एक ही मिनट के बाद गर्मा गर्म रोटियां बन करके हो गई हैं बिल्कुल तैयार। अब इनको एक एक करके चिमटे से हम फटाफट से निकालते जाएंगे। लो जी हमारी सारी रोटियां बन करके हो गई हैं तैयार घर के कुकर में ही। अब देसी घी लगाकर इन रोटियों के स्वाद को हम और भी बढ़ा लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे।